नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज का वीडियो जो है काफ़ी खास होने वाला है, इसलिए आज की वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके हेल्थ से रिलेटेड और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जानकारियाँ हैं उससे संबंधित ये वीडियो है। इसके अलावा आप जो अनियमित दिनचर्या के चलते जो भी रोग के शिकार हो रहे हैं उससे रिलेटेड इसमें जानकारी दी गई है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दोस्त इस चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और फीडबैक को दे डालिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि काफ़ी भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है, और जो हमारा डेली का रूटीन है, दिनचर्या जो है डेली का, वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में ना तो हम सही समय पर सोते हैं, ना सही समय पर जगते हैं, और जब सही समय पर ना सोएंगे ना जगेंगे तो हमारा खान पान भी प्रभावित होगा, सही समय पर खाना पीना भी नहीं होता है। यहाँ तक कि काम पर इतना हम फोकस दे दिए हैं कि अपने शरीर पर ध्यान देना कि हमारे शरीर में जो भी हम फूड ले रहे हैं, मील जो भी ले रहे हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, इस बातों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में ये कन्फर्म है कि हमारा जो बॉडी है काफ़ी रोगों का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों इस अनियमित अनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल के चलते जो भी रोग पैदा होते हैं उन्हें हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ स्टाइल के चलते ही प्रभावित हुए हैं, ये रोग हमारे शरीर में आ गए हैं। तो ऐसे रोगों की रोकथाम करने के लिए सबसे बेस्ट है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की शरण में जाइए और इस तरह की डिजीज़ से आप बच सकते हैं, जड़ से ये ख़त्म कर देता है डिजीज़ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा क्या है? जो भी हमारे चारों तरफ वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, जड़ी बूटियाँ पाई जा रही हैं, सभी के सभी आयुर्वेद हैं, इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। यदि हम बात करें आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में हम बताएंगे यदि आपके ब्लड में शुगर लेवल अधिक हो गया है, जैसे कि जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट कहे जाते हैं जिन्हें, तो वैसे पेशेंट्स जो स्टार्टिंग फेज में हैं या वो शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो वैसे पेशेंट्स के लिए एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको कि हम डाइबोडॉक रस के नाम से जानते हैं। और ये इस प्रोडक्ट की खूबी ये है कि ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, और इसमें करेला है, गुड़मार है, जामुन है, ग्वारपाठा है, त्रिफला है, इन सारे इंग्रेडिएंट से मिलाकर ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जो कि काफ़ी बेनिफिट देता है, शुगर लेवल को संतुलित रखता है ब्लड में। इसके अलावा शरीर में इंसुलिन बनाने का काम करता है। यदि सही समय पर जो भी हम खान पान नहीं रखते हैं और हमारा हाजमा जो ख़राब हो जाता है और हम कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर में नहीं लगता है, तो उस पाचन क्रिया को चुस्त दुरुस्त करने में भी डाइबोडॉक रस जो है काफ़ी कारगर है। तो यदि हम इस प्रोडक्ट के कीमत की बात करें और इस प्रोडक्ट को कैसे मंगाना है और इसके डोज की कैसे हमको इसका डोज लेना है, तो आइए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका प्राइस क्या है, इसे कैसे यूज करना है और इसे आप कैसे अपने पास मंगा सकते हैं, इसकी जानकारी आगे दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइबोडॉक रस को मंगाना क्या है, कैसे है आपको। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक वेबसाइट शो कर रहा है, www.asclepiuswellness.com। इस साइट पर आपको लिंक पर क्लिक करना है, या आपने गूगल में जाकर इस साइट को लिख डालिए और सर्च कर दीजिए, आपको कंपनी की साइट खुल जाएगी। उस कंपनी की साइट में आपको प्रोडक्ट के वेलनेस कैटेगरी में जाना है, और वहाँ पर डाइबोडॉक से रिलेटेड जानकारी है आपको, और उसके प्राइस जो कि 1492 रुपये है इसका MRP प्राइस, उसे आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा यदि ऑर्डर करने में आपको परेशानी हो रही है, तो ये वीडियो जिस माध्यम से आपको मिला है, AWPL के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, उनके माध्यम से आप इस प्रोडक्ट को घर पे आसानी से मंगा सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को सही तरीके से लेने की क्या विधि है और कितनी मात्रा में इस प्रोडक्ट को हमको लेना चाहिए। तो दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले हमें ये ज़रूरी है, कोई भी प्रोडक्ट हो तो बिना चिकित्सक के सलाह के तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। इसीलिए सबसे फर्स्ट हमारा काम होता है डॉक्टर से सजेशन ले लें, उसके बाद ही आप किसी भी प्रोडक्ट को लें। उसके बाद यदि हम खासकर डाइबोडॉक रस के बारे में बात करें कि इसको कैसे लेना है, तो इस प्रोडक्ट को 25 से 30 ml आपको लेना है, गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम परहेज की बात करें कि इस प्रोडक्ट को लेते समय आपको क्या क्या परहेज करना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, तो सबसे पहले तो आपको इस प्रोडक्ट को जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये जो प्रोडक्ट है एक महीने के अंदर में इस्तेमाल कर लेना है। इसके अलावा सूखे और
ठंडे स्थानों पे इसको इस प्रोडक्ट को रखना है, फिर आपको मीठे पेय पदार्थ का इस्तेमाल कम से कम करना है या न लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा, और दिन भर में 4 से 6 लीटर पानी तो ज़रूर पी लेना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो डायबोडॉक से रिलेटेड कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।